एग्जाम करीब आ रहे हैं, टेंशन तो हो रही है, बट एक ये टेंशन है कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है। सर हमने कभी दिया ही नहीं, सर हमारा फर्स्ट टाइम है, हमें सर कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, तो भैया टेंशन मत लो, इसका पूरा गाइडेंस मैं कहूंगा कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे होने वाला। तो हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू फिल द फॉर्म, माय नेम इज जितेंद्र गोस्वामी और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे फिल द फॉर्म चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन एग्जाम कैसे होगा, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है उनके लिए भी, और जिनको पता है तो कुछ नए अपडेट है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर जो हुआ था ऑनलाइन एग्जाम में वो गलती आपको इस बार नहीं करनी है, तो सारी गाइडेंस आपको यहाँ मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारा फिलर फॉर्म ऐप डाउनलोड नहीं किया है, आप लोग फिलर फॉर्म ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको पीवाईक्यू लास्ट ईयर के पेपर मॉक टेस्ट मिलेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आपको फर्स्ट पेपर की और सेकंड पेपर की फ्री ऑनलाइन क्लासेस मिलेगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। काफी लोग के माइंड में एक चीज हमेशा आती है कि सर हमें नोट्स कहाँ मिले, तो नोट्स भी आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपका जो यूजीसी नेट एग्जाम है दोस्तों ऑनलाइन होता है, सीपीटी बेस्ड, मतलब कंप्यूटर बेस्ड पे होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई भी पेपर नहीं मिलेगा, ना कोई आंसर शीट मिलती है, यहाँ पर आपको ऑनलाइन जाके पेपर देना है, जहां पर आपके सामने पेपर आएगा और ये पेपर दोनों लैंग्वेज में होगा। तो हम लोग स्टार्टिंग से चलते हैं। दोस्तों देखिए एग्जाम में अगर आपका 9 बजे एग्जाम स्टार्ट होता है तो आपको दोस्तों 7:30 बजे एग्जाम सेंटर पे चले जाना है, बी कॉन्फिडेंस हो गया, ठीक है। 9 बजे तो आपकी एंट्री 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी। एंट्री के बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, रोल नंबर पे जाना है और एक रूम अलॉट किया जाएगा, एक रूम आपको दिया जाएगा, उस पर जाके आपको अपना आधार कार्ड और फेस फोटो खिंचानी पड़ती है। आपको एक लैपटॉप एक कंप्यूटर अलॉट करेंगे, मतलब आपको देंगे कि आपका कंप्यूटर वहां पर है, आपको वहां पर जाके बैठ जाना है, वो आपको बताएंगे आपको क्या करना है। तो आपको कुछ नहीं, आपको देखना है कि आपकी जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे वहां पर आपकी फोटो और आपका नाम आ गया। सबसे पहले आपको ये चीज कंफर्म करनी है, नाम आ गया, फोटो आ गया, कुछ नहीं आपको बोला कि ये सर ये मेरा हो गया, फाइनल। आप एक बार अपने कीबोर्ड माउस को देख लेना काम कर रहे या नहीं कर रहे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कहीं ऐसे नहीं आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाए और ये काम ना करे तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। तो आपको पहले वो चेकआउट करना है, आसपास चेक कर लेना कुछ पर्ची वर्ची तो नहीं है, ये भी बहुत बड़ा इशू होता है क्योंकि कॉलेज है, तो कॉलेज में बच्चे वहां कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ठीक है। फिर आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, फिर आपका एग्जाम स्टार्ट होता है, कंप्यूटर बेस होगा, तो एग्जाम दोनों लैंग्वेज में होता है। सबसे बड़ी बात है कि आपका एग्जाम दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश। आप पेपर को हिंदी में भी देख सकते हो और इंग्लिश मीडियम में भी आप पेपर को देख पाएंगे, ये आपने का सबसे अच्छी बात होती है। इस बार दोस्तों पेपर चलेगा, एग्जाम चलेगा, आप आपका टाइमिंग चलता रहता है कि इतने घंटे बाकी, इतने घंटे बाकी, और आप ऑनलाइन एग्जाम करके सबमिट हो जाता है। अब बीच में क्या इशू आता है, बीच में ये इशू आता है कि कभी कभी आपका सिस्टम बंद हो गया, सिस्टम मतलब लैपटॉप बंद हो गया, तो आपको सीधा जो एग्जाम सेल सेंटर वाले होते हैं उनको बुलाना है, बताना है कि ये मेरा बंद हो गया, तो वह आपको नया लैपटॉप देते हैं। घबराने की जरूरत, देखो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप लोग घबराते हो तो आपका पेपर पे इफेक्ट पड़ेगा जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका फोकस पेपर पे, कुछ भी खराबी होती है तो आप लोगों की हेल्प करेंगे, वो उनका काम, इसलिए वो वहां पर होते हैं। और ऑनलाइन एग्जाम देना, मैंने आप अगर आपने अभी तक मेरा मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो मॉक टेस्ट दो, से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। मैंने पूरा वीडियो बनाया है ऑनलाइन एग्जाम सेंटर का बनाया, वहां पर जाके मैंने बनाया, उसको भी आप लोग देखना, काफी हेल्प मिलेगी। आई होप आपके सारे डाउट और क्वेरी सॉल्व आउट हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, धन्यवाद।